चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज दिन भर आपके प्रदेश के सरकारी महकमों में क्या रही हलचल और कैसा रहा आपके प्रदेश के सरकारों का कामकाज। भोपाल में ग्लोबल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट समिट 2017 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शिक्षा में कम से कम तीन उद्देश्य होना चाहिए, ज्ञान, रोजगार और संस्कार। अब तक की शिक्षा पद्धति से ये नहीं हो रहा था। भारत सरकार ने सोचा है शिक्षा के कायदे, ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना। ये तीन उद्देश्य शिक्षा के कम से कम होना चाहिए। विकास का प्रकाश जब तक आम आदमी तक ना पहुंचे तब तक वो विकास भी बेमानी है। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में उत्तराखंड के बजट समेत 6 फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक में करीब 32,000 करोड़ के बजट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली है, जो कि 8 जून को विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री पेश करेंगे। साथ ही इनोवेटिव कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप योजना नीति को मंजूरी मिली है। राज्य की सहकारी चीनी मिलों के वर्ष 2015-16 के बकाया गन्ना भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। बजट बहुत अच्छा होगा, संतुलित होगा और संतोष प्रदान करने वाला होगा। पंजाब के सभी जिला उपायुक्तों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की चंडीगढ़ में बैठक हुई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जिला उपायुक्तों के साथ प्रदेश में बेहतर शासन देने और सरकारी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करने पर भी मंथन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों के कर्ज के मुद्दे पर एक अहम बैठक की। इसमें कर्ज माफी के आंध्र मॉडल को लेकर प्रेजेंटेशन हुआ। सीएम योगी ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर भी मंथन किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज सीएमओ में रियल एस्टेट रेगुलेशन की वेबसाइट लॉन्च की। इस मौके पर सीएम राजे ने कहा कि तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने और उनके हितों को सुरक्षित करने की दिशा में ये वेबसाइट महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कहा कि राजस्थान ने अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत की थी। हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हरियाणा सरकार अब सेना के लेटर मिले बगैर ही शहीद के परिवारों को नौकरी देगी। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन के नियम में बदलाव किया गया है। इलेक्शन ड्यूटी पर कर्मचारी की दुर्घटना में मौत होने पर 20 लाख रुपए सरकार देगी। रोडवेज बसों का किराया अब 5 रुपए से 15 रुपए के बीच होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 63 नवनियुक्त अग्निचालकों को नियुक्ति दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अभी 270 नियुक्तियां और होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, वो स्थानीय नीति के तहत हो रही हैं, जिसका लाभ सबको हो रहा है। सीएम ने सभी नवनियुक्त चालकों से ईमानदारी से काम करने को कहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के CMD उत्पल बोरा के साथ बैठक की। ये बैठक जनता भवन में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अगले 5 सालों में 2,500 युवकों को नौकरी देने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को प्रस्तावित किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये नियुक्तियां मेरिट बेस पर होंगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू दिल्ली में हैं। आज उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ मुलाकात की। राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने राज्य के विकास को लेकर चर्चा की तो नरेंद्र तोमर के साथ अरुणाचल के ग्रामीण इलाकों में विकास पर सार्थक बातचीत हुई। नरेंद्र तोमर ने पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मुलाकात की। दोनों के बीच रेलवे के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हुई। खासकर गोवा में चल रही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने गुरुवार को गांधीनगर में साल 2017 के शाला प्रवेशोत्सव को लेकर अधिकारियों और कर्मयोगियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से बातचीत की। इस मौके पर विजय रूपाणी ने कहा कि सरकार के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्देश्य शिक्षा साधना में सबको जोड़ने का है। शाला प्रवेशोत्सव कोई क्रिया नहीं है बल्कि समाज के उत्थान का महायज्ञ है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज आपकी सरकारों तक पहुंचे, इसलिए आप जुड़िए हमारे साथ।
अगर आपसे या आपके आसपास से जुड़ा कोई मुद्दा हो जो आप उठाना चाहते हैं तो हमें भेजिए अपनी समस्या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9811782319। हम अपने कार्यक्रम में उठाएंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपके मुख्यमंत्री तक। तो देखते हैं क्या है खास, आज सुनिए मुख्यमंत्री जी में। शायद किसान देश का सबसे सस्ता शब्द है। 70 साल में देश की राजनीति में जितनी बार किसानों का नाम लिया गया होगा उतना शायद किसी और का नहीं। इसके बाद भी हकीकत यह है कि आज देश का किसान बदहाल है, उसका परिवार लाचार और उसका भविष्य अंधकार में है। ताजा मामला महाराष्ट्र से है जहां किसान एक बार फिर अपना दर्द लेकर सड़कों पर उतरा है। किसी ने सड़कों पर दूध बहाया तो किसी ने सब्जियां फेंक कर अपने गुस्से का इजहार किया। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई के चकाचौंध भरे सत्ता के गलियारों तक दूर दराज के किसानों की आवाज पहुंचेगी। इसलिए सुनिए मुख्यमंत्री जी में, हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने उठा रहे हैं सवाल ताकि सत्ता के गलियारों तक पहुंचे किसानों की आवाज। भीड़ सड़क पर दूध की इस धार को देखकर मत समझ लीजिएगा कि आप सतयुग में। आप कलयुग में ही, घोर कलयुग। जहां सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों को दूध सड़क पर बहाना पड़ रहा है। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में किस तरह से किसान बेबस है, बेहाल है। यूं तो यह महाराष्ट्र के शिरडी की तस्वीर है, लेकिन सूबे के कई इलाकों से कमोवेश ऐसी तस्वीरें आई हैं। कहीं दूध बहाया जा रहा है, कहीं सब्जियां फेंकी जा रही हैं, कहीं दुकानें बंद है, कहीं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। असल में ये अपनी मांग के समर्थन में किसानों की हड़ताल का असर है। दरअसल महाराष्ट्र के किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार किसानों का कर्जा माफ करे, खेती के लिए बगैर ब्याज कर्ज मिले, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करे, 60 साल के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू करे, 1 लीटर दूध की कीमत 50 रुपए मिले। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी तो आर पार की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर आए। आज रात से हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जब तक सरकार किसान की कर्ज मुक्ति नहीं करती, उत्पादन खर्च अधिक 50% मुनाफा इसका ये बना के किसान के अनाज या धान्य को भाव नहीं देती, तब तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला है। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत अहमदनगर के बुटांबा गांव से हुई, जहां 200 किसानों के समूह ने सबसे पहले 1 जून से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की, जिसके बाद कई किसान समूहों ने आंदोलन में अपनी भागीदारी का फैसला लिया। आंदोलन का नाम किसान क्रांति दिया गया है। आंदोलनकारियों का दावा है कि इस क्रांति में 80% किसान शामिल हुए। किसान और मुख्यमंत्री के बीच 1 राउंड की बातचीत फेल हो चुकी है, लेकिन सरकार का कहना है कि रास्ते बातचीत से ही निकलेंगे, इसलिए किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले। पत्थरबाजी भी हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि किसानों के नेता ऐसी पत्थरबाजी नहीं कर सकते। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसके पीछे ये कैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो, ये कैसे और इसमें कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। जो अनाज है उसका जो आज नुकसान नहीं होना चाहिए, क्या नुकसान होने से तो किसानों का ही नुकसान हो जाएगा। तो हम नुकसान करने से पहले हम बातचीत के दौरे से ये प्रश्न जो है के प्रश्न के बारे में हम सब मिल के साथ बैठ के विचार करते हैं और कोई ना कोई हल निश्चित रूप से हम निकाल सकते। फिलहाल तो मार्केट में फल सब्जी है, अगर ये आंदोलन लंबा खींचता है तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर जैसे बड़े शहरों को आने वाले दिनों में फल, सब्जियों, दूध और खाद्यान्नों की कमी से जूझना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल किसानों को खुश करने के लिए कभी कर्ज माफी तो कभी कोई सतही योजना लॉलीपॉप की तरह दे दिया जाता है, पर किसानों की माली हालत सुधारने के लिए जो निर्णायक
और बड़ा फैसला होना चाहिए, उसकी पहल आज तक किसी सरकार ने नहीं की। दरअसल हर दिन लोग खेती किसानी से तंग आकर दूसरे व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। देश का अन्नदाता एक बार फिर सड़कों पर है। देश में किसानों की बदहाली की ये पहली तस्वीर नहीं है। ये तस्वीरें देखकर आप ये नहीं बता सकते ये देश के किस हिस्से की तस्वीर है, क्योंकि किसान देश के किसी भी हिस्से में हो बदहाल और परेशान है। देश भर के किसानों का दर्द एक है, समस्या एक है और दुख एक है, मगर ये ताजा तस्वीरें महाराष्ट्र की है। अन्नदाता महाराष्ट्र में किस तरह परेशान है उसका एक आंकड़ा देख लीजिए। सूखे की वजह से महाराष्ट्र के किसानों की हालत बेहद खराब है। साल 2015 में महाराष्ट्र में 4291 किसानों ने आत्महत्या कर ली। पिछले 31 सालों में 67,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें महिलाएं और युवा भी शामिल हैं। ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है, किसानों को लेकर सरकार दूरदर्शिता कब दिखाएगी? जिस तरह से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है उसी तरह किसानों को प्रोत्साहन कब मिलेगा? स्वामीनाथन आयोग ने जो कहा था कि किसानों को लागत से ज्यादा फायदा मिले वो कब मिलेगा? कर्ज माफी के लिए महाराष्ट्र के सीएम ने जो तत्परता दिखाई थी वो आगे क्यों नहीं बढ़ी? महाराष्ट्र में किसानों के अच्छे दिन कब आएंगे? किसानों को समय समय पर कर्ज माफी का लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। यूपीए सरकार से लेकर यूपी में योगी सरकार तक ने किसानों को झुंझुना थमा दिया, मगर सवाल ये कि कर्ज माफी से ही किसानों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? सरकार लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती, ताकि लागत घटे, बाजार मिले, फसल के उचित दाम मिले और किसान खुश रहे। दरअसल समस्या ये है कि किसान देश भर में एक संगठित वर्ग न होकर जाति धर्म रंग भेद में बटा हुआ एक समूह है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था से उसे वो अटेंशन नहीं मिल पाता जो उसे मिलना चाहिए। देश की 70% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन देश ने कभी उनके संगठित ताकत को नहीं देखा। शायद किसानों को ये समझना होगा कि जिस दिन वो जाति धर्म रंग भेद भूलकर किसान बन जाएंगे उनकी किसानी के दिन भी फिर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।